तो हे गाइस, वेलकम टू अनबॉक्स चैनल एंड बैक विद माय अदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रियलमी 3 प्रो के बारे में। एंड ये जो स्मार्टफोन होने वाला आपको 22 अप्रैल के अंदर देखने को मिलेगा। एंड ये डायरेक्टली कंप्लीट करेगा रेडमी नोट 7 प्रो से, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिकेशन है, बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 7 प्रो। एंड इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो भी बहुत ही कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलमी 3 प्रो के बारे में, बताऊंगा इस स्मार्टफोन का प्राइस, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड इसके अप्रॉक्सिमेटली लॉन्चिंग डेट के बारे में। So hey folks, this is John and I'm back with another video. So let's get started. तो सबसे पहले बात करो स्मार्टफोन का डिजाइन के बारे में। डिजाइन जो होने वाला आपको एस सिमिलर देखने को मिलेगा रियलमी 3 जैसा। फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा वाटर डॉप टाइप नॉच सेटअप एंड ग्लॉसी फिनिश में स्मार्टफोन लॉन्च होगा, बट कोई भी आपको ग्लास फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगा। यानी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा पॉलीकार्बोनेट बॉडी, जो कि सिंपल भाषा में बोलो तो प्लास्टिक है, बट लुक बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश होने वाला एंड फ्लेक्सिबल लेवल का लुक प्रोवाइड करेगा। एंड उसके साथ आपको बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, नीचे में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, साइड में वॉल्यूम लॉकर पावर बटन देखने को मिलेगा एंड डुअल सिम स्लॉट एंड उसके साथ एक माइक्रो एसडी का स्लॉट भी देखने को मिलेगा, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा काम का फीचर है। तो स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल, जिसका रेजोल्यूशन होने वाला 1080x2340 पिक्सल। एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिलेगा 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो एंड पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा 409 पीपीआई का पिक्सल डेंसिटी, जिसके अंदर आपको 16 मिलियन कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाला है, जिसके अंदर कलर रिप्रोडक्शन, सैचुरेशन एंड साइड व्यू एंगल जो होगा बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेनली डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा 2.2 गीगाहर्ट्ज़ यानी ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है। तो स्पीड आपको बहुत ही धमाका देखने को मिलेगा, किसी भी काम आप बहुत ही स्मूथली कर पाओगे, कोई भी हीटिंग इशू, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इवन आप पबजी जैसे हाई ग्राफिक्स गेम को बहुत ही स्मूथली रन करा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो जीपीयू देखने को मिलेगा वो है एड्रीनो 660 का जीपीयू, जो कि आपको बहुत ही दमदार गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। उसके साथ आपको देखने को मिलेगा 6GB रैम, जिसके साथ आएगा 64GB का इंटरनल स्टोरेज एंड इंटरनल स्टोरेज भी एक्सपेंड कर सकते हो भाई माइक्रो एसडी कार्ड अप टू 256GB तक। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूँ तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है आपको एक्जैक्टली सिमिलर देखने को मिलेगा रेडमी नोट 7 प्रो जैसा। 48 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको EIS फीचर भी देखने को मिलेगा एंड 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा बोके मोड, पोर्ट्रेट मोड आराम से कैप्चर करने के लिए। एंड उसके साथ आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड, AI पोर्ट्रेट मोड सभी कुछ फीचर इनेबल देखने को मिलेगा कैमरा एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर जो कैमरा होने वाला है, यानी कि जो 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा होने वाला है, वो यूज करेगा डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी, जो कि एक्जैक्टली सेम टेक्नोलॉजी है रेडमी नोट 7 प्रो जैसा, बट प्राइस सेगमेंट यहाँ पर बहुत ही कम है। तो फ्रंट कैमरा की बात करते तो फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल के एक फ्रंट शूटर, जिसके साथ आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड देखने को मिलेगा, AI पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा। तो फ्रंट कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाला है एंड रियलमी के जो डिवाइस होते हैं इसमें आपको फ्रंट कैमरा बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को मिलता है, तो इसमें भी आपको फ्रंट कैमरा बहुत ही ज्यादा बेटर मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 9.0, यानी कि आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलेगा एंड उसके साथ आपको सिक्योरिटी पैच भी बहुत ही ज़्यादा टाइट देखने को मिलेगा। एंड कस्टम यूआई की बात करूँ तो रेगुलर वाइज आपको कलर वाइज 5.2 देखने को मिलेगा, जो कि प्रोवाइड करेगा यूजर को बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस। तो बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 3960 mAh के एक ह्यूज बैटरी एंड उसके साथ आपको सुपर बुक फास्ट चार्जिंग फीचर भी इनेबल देखने को मिलेगा। इसका वर्जन है 3.0, तो 0 to 100% चार्ज बहुत ही आराम से कर पाओगे। एंड हार्डवेयर सिक्योरिटी की बात करो तो इसमें आपको बैक साइड में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा एंड फ्रंट में जो है फेस अनलॉक फीचर देखने को मिलेगा। एंड रियलमी का जो फेस अनलॉक फीचर है बहुत ही ज्यादा फास्ट है एंड बहुत ही सिक्योर भी है। तो अब बात करो स्मार्टफोन का प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो इसके जो प्राइस होने वाला आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सिमेटली 60,999 rupees, जो कि होने वाला है 6GB रैम वेरियंट का प्राइस। एंड लॉन्चिंग डेट की बात करूँ तो आपको 22 अप्रैल के अंदर स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जो कि आप ऑनलाइन परचेस कर पाओगे। तो ये आज का वीडियो रियलमी 3 प्रो के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। अपने इस चैनल में पहली बार आए तो जाकर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो एंड उससे पहले हमने मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो करो, लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।